बाजू की कटिंग सीखेंगे। कपड़े पर हम बाजू कैसे कटिंग करेंगे, हमें सबसे पहले बाजू कटिंग करने से पहले तीरे पर नजर रखनी है। हमारा तीरा है तेहरा, तो बाजू की लंबाई हमारी 12 है। बाजू की लंबाई में हम 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, वो हो गया हमारी बाजू की लंबाई कटिंग करते समय 14 इंच। चौड़ाई है हमारी मुढ़े की, मुढ़े की चौड़ाई हमेशा तीरे के हिसाब से निकलती है। तीरे का दूसरा हिस्सा हम मुढ़ा लेते हैं, तो मुढ़े में 3 इंच प्लस करके हम लेंगे बाजू की चौड़ाई, यानी कि मुढ़ा तीरा हमारा 13 है, तो 13 का 6.5 आया दूसरा हिस्सा, उसमें हमने 3 प्लस किया। बाजू की चौड़ाई 4 तह में कपड़े की 9.5 इंच। फिर हमारी है बाजू की मोहरी, बाजू की मोहरी हमने लेनी है, इसकी बाजू की मोहरी है 8 इंच तैयार हमारी, तो उसका दूसरा हिस्सा है 4 इंच। 4 इंच में हमने प्लस मार्जिन के लिए 2 किया, तो हमने कटिंग करते समय 6 हो गया। ये कटिंग करेंगे तो हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये आप आ जाओ, बाजू की ये लंबाई है हमारी 14 इंच और बाजू की चौड़ाई हो गई हमारी 9.5 इंच। बंद साइड से खुली साइड चौड़ाई में 2 इंच का निशान लगाएंगे और खुली साइड से और खुली साइड लंबाई में 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 4 इंच प्लस 2 इंच का निशान लगाया, यानी कि 6 इंच मोदी का निशान लगा के 2 के निशान को 2.5 के निशान से और 2.5 के निशान को 6 इंच के निशान से मिला देना। और फिर यहाँ से हमने खड़े 2 इंच का निशान लगाना है। 2 इंच का निशान लगाने के बाद हमें इसकी गोलाई कर देनी है। ये गोलाई करने के बाद ये हमारा आपके पास बाजू का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। बाजू की लंबाई चौड़ाई हमेशा मुढ़े से ही निकलती है। बाजू की लंबाई में प्लस 2 इंच करेंगे और चौड़ाई में मुढ़ा प्लस 3 इंच करेंगे, तब हमें बाजू की चौड़ाई निकलेगी। ठीक है।